गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा घुमक्कड़। तो आज हम चलते हैं पौड़ी गढ़वाल की साइड। पौड़ी में एक मंदिर है लंचडॉन से आगे बहुत अच्छा सा, जिसका नाम है बाबा ताड़केश्वर मंदिर। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, आज सनलाइट अच्छी खासी है, तो हम निकलते हैं वहाँ के लिए। जैसा भी रूट रहेगा, जो भी रहेगा, मैं अपडेट करूँगा आपको। तो बस गाड़ी उठाते हैं और निकलता हूँ मैं। इसके बाद आपसे सीधा हरिद्वार के रूट पे मुलाकात होगी। और मुझे ना अभी रूट पता नहीं है, तो मैं गूगल वूगल करके देखता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। रोड देखिए फ्रेंड्स, बड़ा सही लगा। ये नया रूट है उसका, कोटद्वार से नजीमाबाद से, सॉरी हरिद्वार से कोटद्वार वाला। ये नहर वाला, ये नहर के साइड वाला, ये पहले बहुत ख़राब रोड था, अभी मस्त हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। इसके साइड में जो तो घास लगा रखी है ना इन्होंने, लगा के नेचुरल भी उगी होगी या फिर लगाई होगी, जो भी है, लेकिन रोड भी सही हो गया और ये अच्छा भी लग रहा है। हेलो दोस्तों, अभी हरिद्वार से जस्ट हम पहुँचे हैं ये अपना कोटद्वार के मोड़ पे। कोटद्वार भी क्या बोलेंगे, ये नजीमाबाद वाला रास्ता है बाईपास। और ये नजीमाबाद से आप अगर ये रास्ता देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये सीधा जाएंगे तो ये पड़ेगा आपको नजीमाबाद, और आप इधर जाएंगे ये राइट हैंड साइड तो ये पड़ेगा कोटद्वार। और ये पीछे फाटक है, ये देखिए, ये हरिद्वार रोड वाला फाटक है। और ये हमारा लिखा हुआ है नजीमाबाद, ये नजीमाबाद इस तरफ से अगर आप जाएंगे सीधा तो नजीमाबाद पड़ेगा, और ये हमारा सीधा रास्ता कोटद्वार। तो हम निकलेंगे कोटद्वार वाली रोड पे। हेलो दोस्तों, तो हरिद्वार के बाद अब कोटद्वार में एंट्री लेते हैं हम लोग, कोटद्वार की तरफ आ चुके हैं। और ये देखिए कोटद्वार का गेट है, और कोटद्वार से हम जाएंगे लैंसडॉन, और लैंसडॉन से फिर हम आगे अपनी जर्नी अपडेट करता हूँ मैं आपको, जर्नी स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा हल्का हल्का मौसम, वेदर ख़राब है, तो चलते हैं आगे और कोटद्वार भी देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा घूमेंगे, हल्का फुल्का, मतलब घूमेंगे क्या, मैं रुकूंगा नहीं कहीं पे, बस सीधा निकल जाऊंगा और फिर वहां से लैंसडॉन। हेलो दोस्तों, तो अभी कोटद्वार क्रॉस करके हम पहुंचे हैं, ये लैंसडॉन वाली रोड है। ये देखिए यहां पे लिखा है ताड़केश्वर 35 किलोमीटर, लैंसडॉन है 22 किलोमीटर। तो मेन जो हमारा टारगेट है आज का, वो है ताड़केश्वर। तो लैंसडॉन का ऐसा है कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं विजिट करूँगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं मेरे पास, तो हम सीधा जाएंगे ताड़केश्वर मंदिर। हाँ तो दोस्तों, अभी बारिश तो रुक नहीं रही है, तो मैं भीग तो गया हूँ, देख रहे थे आप, लेकिन ये हमारा आ गया ताड़केश्वर मंदिर का रास्ता। और ये देखिए बोर्ड लगा यहाँ से 22 किलोमीटर, तो अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। आगे देखूंगा कहीं पे स्टॉप होगा तो मैं रुकूंगा, बाकी अभी हम चलते हैं और फिर मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सफ़र लंबा भी हो गया और बारिश भी हो गई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई गई है, मेरे पे रेनकोट वगैरह भी नहीं है, क्या करें दोस्तों। सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, मैं भीग गया पूरा, और मंदिर भी अभी यहाँ से बहुत दूर है, और मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, और बारिश हो गई, तो एक थोड़ा सा टीन टप थोड़ा सा मिला था मुझे रास्ते में, स्टैंड टाइप का जो बनता है, तो मैं वहाँ अभी रुक गया हूँ, क्योंकि मैं बरसाती वगैरह कुछ लाया नहीं था, रेनकोट वगैरह है नहीं मेरे पास, और बारिश ना बहुत तेज़ हो रही है यहाँ, तो रुकने के चांसेस ना बहुत कम है, तो बस ठंड भी लग रही है अब, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, और जैसे बारिश रुकेगी फिर मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ, यहीं आराम करता हूँ। तो बाइक मैंने उधर लगा दी है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि जैकेट या रेनकोट डाल लेना चाहिए था, मुझे पता नहीं था यहाँ बारिश कितनी ज़्यादा होती है, इतनी तेज़ होती है। ठीक है, तो मैं आगे आपको अपडेट करूँगा जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा। चले तो मैं कुछ खाऊँगा, उसके बाद निकलूँगा। ठीक है, अभी जब हम चले थे वहाँ से, तो थोड़ा मैंने कहा रास्ते में कुछ खा लेते हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है दादा जी की रसोई, अच्छा होटल है। ये है दादा जी की रसोई, ये दादा, दादा जी हेलो सर प्रणाम। तो हम यहाँ रुके हैं, थोड़ा सा चाय वाय लेते हैं, पराठे वगैरह देखते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या है। हाँ कितना, वो एक ब्रेड ऑमलेट हो गया अंकल, दो चाय, चीनी कम, अदरक, और एक क्या हो गया, आलू के पराठे। ठीक है, थैंक यू अंकल। चाय पहले दे देना। वैसे तो गाइस आप लोगों को पता है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ थोड़ा, लेकिन जब मैं ट्रिप पे होता हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अब मजे नहीं लिए तो फ़ायदा क्या है फिर जिम करने का, हेल्थ कॉन्शियस होने का, हेल्थ का ख्याल रखने का, इसी दिन के लिए तो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो पराठे हो जाए, तो अभी पराठे खाता हूँ, उसके बाद एक ब्रेड ऑमलेट लूँगा, और फिर हम अपनी जर्नी करेंगे कंटिन्यू। वैसे ना पहाड़ों के आलू के पराठे और मैगी हो गई जैसे, और आपका
ब्रेड ऑमलेट हो गया, चाय हो गई, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी है। अच्छा, और हमारा ब्रेड ऑमलेट भी आ गया, मैं ये भी ट्राई करता हूँ, पराठे तो बहुत अच्छे हैं। इसमें टेस्ट इसलिए ज़्यादा ना, ये घर के अंडे, अंकल से पूछा मैंने, भी बताया उन्होंने तो हमारे घर के अंडे बहुत बढ़िया टेस्ट है। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हम हैं अपने ताड़केश्वर वाले रूट पे, और यहाँ से करीब 12 किलोमीटर रह गया होगा, तो मैंने गाड़ी इसलिए रोकी ना, ये वेदर देखो आप, ये दिसंबर में सितंबर वाला फील है पूरा, सॉरी सितंबर में दिसंबर वाला फील है पूरा। और वही है कि भाई मंजिल कैसी भी हो, सफ़र के मजे लो, तो फील आ रहा था तो मैंने कहा मंदिर तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन बीच में जो ये व्यू है इसको मिस कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2 मिनट का ब्रेक लेके छोटी सी वीडियो बनाई है। और यहाँ से होगा करीब अब 12 से 13 किलोमीटर होगा यहाँ से ताड़केश्वर मंदिर, वो मुझे पता नहीं क्योंकि बोर्ड कोई दिखा नहीं, फिर बस ये वीडियो बना ली है, आप लोगों को व्यू दिखाना था वो दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ, हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है, और ठंडा ना यहाँ बहुत ज़्यादा है, अब कभी भी इस सितंबर के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे आएँ तो जैकेट वगैरह लेके आना, अब फोग ज़्यादा है और जैसे बारिश होती है ना लाइक ऐसा पानी टपक रहा है, तो ठंडा लग रहा है, मुझे आवाज़ भी बैठ गई, आपको फील हो रहा होगा थोड़ा सा। हाँ तो ये बोर्ड देख रहे हैं आप, जिसमें जो लैंसडॉन 32 और सिसल्डी 15 और ताड़केश्वर मंदिर 5 किलोमीटर, यही रोड इससे हम आए, और ये इधर इधर, और ये मंदिर ताड़केश्वर 5 किलोमीटर। तो हम चलते हैं अंदर की साइड, फिर मैं आगे आपको दर्शन कराता हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए ताड़केश्वर धाम, और यहाँ पे ये देखो, ये पार्किंग एरिया, आप कार वगैरह देख रहे होंगे, यहाँ पे बाइक लगा दी हमने अपनी, आप भी लाएँ तो यहाँ पार्क कीजिए, और मैं दिखाता हूँ प्रसाद वगैरह और एंट्री गेट आपको। तो ये है इसकी पार्किंग, और यहाँ पे ना ये घोड़े खच्चर भी हैं, अगर कोई ज़्यादा बुज़ुर्ग है उसको चाहिए तो। और ये है शॉप्स, यहाँ से आप ले सकते हैं प्रसाद वगैरह। तो ये रास्ता जो मैंने दिखाया आपको, ये सीढ़ी वाला रास्ता है, फिर ये हमारा एंट्री गेट सिद्धपीठ ताड़केश्वर धाम, अच्छा। और ये दो भाई साहब आ गए हमारे साथ, राहगीर हमारा साथ, अब जैसा कि पहाड़ों में होता ही है, देखो कुत्ते आ गए हमारे साथ ट्रैक के लिए, तो इनके साथ साथ चलेंगे हम। और यहाँ पे ना बंदर थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप जब भी आएँ तो ध्यान रखें, फ़ोन वगैरह ना खींचें, वो छीने ना आपसे, तो उसका ख्याल जरूर रखिएगा। तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैक है 1.5 किलोमीटर का, फिर उसके बाद मैं वहाँ के दर्शन कराता हूँ आपको। और इसका रास्ता है ना जो वो ढलान में है, तो जाने के लिए तो ठीक है, पर आते वक्त चढ़ाई है तो फिर दिक्कत होगी, फिलहाल देखते हैं। और बस अब मंदिर के पास ही हैं हम, और ये बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये देखिए बस एंट्री यहीं से होगी, आ गया मंदिर। पर ये देवदार के पेड़ बहुत सारे, इसकी खूबसूरती बस यही है कि ये जंगल के बीच में बना हुआ है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा सुंदर लगता है। हमने वो ट्रैक जो था हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, एंट्री लेते हैं। और ये है इसका फ्रंट गेट ताड़केश्वर धाम का, तो मंदिर थोड़ी घंटी ऊपर में बजा नहीं सकता, और ये लाइन से घंटियाँ लगी हुई हैं, ये भी अच्छा है। और ये जो मंदिर है ना, इसकी हिस्ट्री मतलब ये बताते हैं कि 1500 साल पुराना मंदिर है, और जो महाराज जी थे वो शिव जी का रूप बताए जाते हैं, जो शिव जी का एक अंश बताते हैं मतलब। और जो भी ताड़केश्वर नाथ इसलिए है इनका नाम, क्योंकि जो भी आदमी ने दिखता था या जो गलत काम कर रहा होता था तो ये उसको डांटते थे, तो उसको मतलब संस्कृत में या उस टाइम पे जो लैंग्वेज होगी उसमें ताड़ना बोलते थे, तो ताड़केश्वर नाम रखा हुआ है। तो मंदिर बहुत पुराना है और इसकी मान्यता बहुत है। तो ये है इस तरीके से मंदिर की एंट्री, घंटियाँ बंधी है साइड में जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वही सीढ़ी चढ़नी है और बस यहाँ से मंदिर आ जाता है हमारा। अभी श्रद्धालु कम है क्योंकि रास्ता मैंने जैसे बताया वो टफ है थोड़ा, और लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है इसके बारे में, हाँ लेकिन मंदिर अच्छा है। तो एंट्री अब हम करते हैं वहाँ पे, उसका एंट्री गेट, हम दर्शन करते हैं इसके। यहाँ पे एक शिवलिंग है जल चढ़ाने के लिए, और ये ताड़केश्वर धाम मंदिर। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये मंदिर पूरा ना पहाड़ों के बीच में है, जंगल के बीच में, तो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है और वाइब इसकी बहुत अच्छी है इस मंदिर में।
और बहुत अच्छा फील हुआ, और काफ़ी सिद्धि प्राप्त मतलब जो मंदिर होते हैं इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसको आप सर्च करेंगे तो मैंने रास्ता जो आपको दिखाया था वहाँ से, तो ये इसका जो रास्ता आपने देख लिया बहुत सुंदर है, और ये लोकेशन भी बहुत प्यारी है, और ये रियल में जो होता है ना कि मंदिर से वाइब आती है जो लोग बोलते हैं, वो रियल में यहाँ पे फील होगा आपको आके, क्योंकि भाई है इसकी लोकेशन और इसका पीसफुल एरिया, मंदिर बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे करीब 1 घंटे के आसपास बैठा भी, क्योंकि अच्छा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं इतनी दूर आए हैं। तो आप भी कभी आएँ तो मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद ज़रूर यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाएं या बैठें, आपके ऊपर डिपेंड है, लोकेशन अच्छी है। और दूसरा ये कि मैं अंदर का आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मंदिर परिसर में क्या है कि अंदर की फ़ोटो लेना मना है और वीडियो बनाना भी मना है, तो इसलिए मैं बस ये बाहर से आपको मंदिर की लोकेशन ये सब दिखा दी मैंने। और ये तो देखिए आप चारों तरफ देख रहे होंगे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के बीच में रास्ता भी मैंने आपको दिखाया था इसका, ये पेड़ों के बीच में मंदिर है, तो इसकी वजह से बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा मंदिर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारा ताड़केश्वर महादेव धाम जी के दर्शन कंप्लीट हो गए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेस के साथ। आपको ये मंदिर कैसा लगा, यहाँ का व्यू कैसा लगा, एटमॉस्फेयर कैसा लगा और लोकेशन कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए बाबा घुमक्कड़ में, तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।